हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इस चैनल पर आपको मिलती है बेस्ट करियर गाइडेंस, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारे अपडेट्स, साथ ही में फोरेंसिक साइंस के स्पेशल लेक्चर्स। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज का जो लेक्चर है वो है हमारा टॉप 25 क्वेश्चन यूनिट नंबर 6, क्राइम सीन मैनेजमेंट एंड रिकंस्ट्रक्शन से। तो ऑलरेडी हम 5 यूनिट के टॉप 25 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, डेली बेसिस पर क्लासेस हो रही हैं। आई होप कि आप सभी को पसंद आ रही होंगी ये क्लासेस। तो आज है हमारा यूनिट नंबर 6 के टॉप 25 क्वेश्चन। तो क्राइम सीन मैनेजमेंट एंड रिकंस्ट्रक्शन जो हमारा यूनिट है, इस पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। एक्चुअली मैं आपको जो है हर टॉपिक से क्वेश्चन बताती हूँ, तो उससे आपको ये आइडिया लग जाता होगा कि यार किसी पर्टिकुलर टॉपिक से किस तरीके का क्वेश्चन बन सकता है। क्योंकि हम जब थ्योरी पढ़ते हैं तो कई बार हमें आइडिया नहीं लगता है कि किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, किस तरीके का क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। तो इसीलिए मैं हर टॉपिक को इंक्लूड करने की कोशिश करती हूँ। तो मैं हर दिन एक यूनिट के टॉप 25 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे करा रही हूँ। और अभी हम यूनिट 6 पे आ गए हैं और कल से जो है यूनिट 7, 8, 9, 10, 11 और 12, ठीक है, पूरी 12 यूनिट तक मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चंस सॉल्व करवाऊंगी। इज दैट क्लियर एवरीवन? तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और दूसरी बात ये कि अगर आपने अभी तक मेरे लेक्चर्स नहीं देखे हैं सीयूईटी पीजी के 2024 का, मैंने पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया हुआ है। और अभी आपका जो एग्जाम है वो 28 मार्च को है, तो काफी ज्यादा टाइम है आपके पास में। अगर आपने अभी तक बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी है तो अभी इतने दिन है कि आप अपनी पढ़ाई कर सकते हो, यानी कि यू कैन स्टार्ट फ्रॉम जीरो। बस आपको मेरे लेक्चर्स देखने हैं और मेरे साथ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, बस इतना ही आपको करना है और आपकी जो प्रिपरेशन है वो हो जाएगी। क्लियर है? तो चलो भाई हम स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि फोरेंसिक साइंस की फील्ड में मैं आपको 1-on-1 गाइडेंस प्रोवाइड करती हूँ, जिसमें आप मुझसे पर्सनली वीडियो कॉल के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। इसमें बस आपको करना यह है कि डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर आपको क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करना है। इसके थ्रू आप मुझसे पर्सनली बात कर सकते हो, इस फील्ड के बारे में जान सकते हो, जो भी आपके डाउट्स हैं एंट्रेंस एग्जाम्स के रिगार्डिंग, यूजीसी नेट के रिगार्डिंग, एनएफएटी के रिगार्डिंग, सीयूईटी के रिगार्डिंग, या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी में जो फॉरेंसिक साइंस की यूनिवर्सिटीज होती हैं उनमें एडमिशन के रिगार्डिंग आपको कोई भी प्रॉब्लम है, या फिर इवन आप जो है कंफ्यूज हो कि आपको करियर इसमें फॉरेंसिक साइंस में बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं CBI, IB, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज, इन सब में हम कैसे जा सकते हैं, और ढेर सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में अगर चल रहे हैं तो उन सभी क्वेश्चंस का जवाब आपको मुझसे पर्सनल बात करके ही क्लियर हो पाएगा। तो इसीलिए बिना देर करते हुए फटाफट से नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर क्लिक करो और रजिस्ट्रेशन करो। बाकी की डिटेल्स आपको आपके ईमेल आईडी पर मिल जाएंगी। इज दैट क्लियर? चलो तो स्टार्ट करते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन पर आते हैं। आगे बढ़ने से पहले जो भी बच्चे ऐड हैं यहाँ पर, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, स्पीड में जाओ वीडियो को लाइक कर दो। और हमारे लेक्चर्स का एक रिवाज है, क्या रिवाज है कि हम कमेंट सेक्शन में जो है अलग अलग कलर्स के हार्ट, हर दिन हमारा अलग कलर का हार्ट चलता है। जो बच्चे रेगुलरली मेरे वीडियोस देख रहे हैं उन्हें पता है कि आपको कमेंट सेक्शन में एक कलर का हार्ट जो है वो कमेंट करना होता है। तो आज जो है आप सभी लोग पिंक कलर का हार्ट कमेंट करोगे, ठीक है। जितने ज्यादा से ज्यादा कमेंट कर सकते हो उतने सारे हार्ट जो है आपको कमेंट करने हैं कमेंट सेक्शन में। समझ आ गई बात? पिंक कलर का हार्ट करना है हमें कमेंट। क्लियर है? अब देखो भाई, आपको यहाँ पे प्रोसीजर बड़ी सिंपल सी है। लाइव चैट जो चल रहा है, ठीक है, लाइव चैट पे एक्टिव रहना है आप सभी को। और मैं आपको 5 सेकेंड का टाइम दूंगी, मैं जब तक क्वेश्चन रीड कर रही हूँ तब तक आपको जो है आंसर अपना चैट में मुझे देना है। आपको मेरे रिप्लाईज बाकायदा चैट पर मिलेंगे, ठीक है। हम यहाँ बीच में रिप्लाई नहीं करती हूँ मैं, जिससे कि डिस्टर्बेंस क्रिएट ना हो। इज दैट क्लियर एवरीवन? तो चलो भाई हम क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। इज एवरीवन रेडी और नॉट? फटाफट बताओ पहले, रेडी हो या नहीं हो? रेडी हो तो हार्ट कॉमेंट करो, पिंक कलर का हार्ट। अरे कोई भी हार्ट कर दो यार जल्दी से। रेडी है सभी लोग? फटाफट से चलो। अब ठीक है, बहुत बढ़िया जो है मैं आपको बताऊं। पहला क्वेश्चन हमारा है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन फॉलोज द सीक्वेंस ऑफ। कोई भी क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन अगर हुआ है तो उसमें इन्वेस्टिगेशन का प्रोसीजर क्या, स्टेप्स क्या है।
कलेक्शन प्रिजर्वेशन इंटरप्रिटेशन रिकॉग्नाइजेशन रिकॉग्नाइज प्रिजर्व कलेक्ट इंटरप्रिट एंड रिकंस्ट्रक्ट कलेक्ट इंटरप्रिट प्रिजर्व रिकॉग्नाइज एंड रिकंस्ट्रक्ट प्रिजर्व कलेक्ट इंटरप्रिट रिकॉग्नाइज एंड रिकंस्ट्रक्ट स्टेप बताने हैं। ये बताओ आपको इसमें जब आंसर ढूंढना होता है तो आप मेरा जो 7S मैंने आपको रूल बताया था, मेरा रूल नहीं है मतलब मैंने पढ़ाया था ये रूल, ठीक है 7S रूल है, आप सभी ने पढ़ा है क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन का, तो उसके अकॉर्डिंग आप सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले कलेक्शन करोगे क्या? नहीं, हम सबसे पहले कलेक्शन कैसे कर सकते हैं? कलेक्ट करने लगेंगे क्या? जब हमने अभी कलेक्शन ही नहीं करा तो हम ये कलेक्ट और कलेक्शन तो बात एक ही चीज हुई ना, क्या ही डिफरेंस है इसमें? प्रिजर्व करेंगे क्या? नहीं। अब हम क्या करेंगे? ऑब्वियसली बात है, तीन ऑप्शंस मैंने कट कर दिए हैं, यानी कि आपका जो है बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्या करते हैं हम? पहले हम सीन को रिकॉग्नाइज करते हैं, हमने पूरा सीन रिकॉग्नाइज करा, फिर हम प्रिजर्व करते हैं, किसको? क्राइम सीन को हमने प्रिजर्व करा, फिर हम कलेक्ट करते हैं, कलेक्ट करने के बाद में हम उस एविडेंस को इंटरप्रेट करते हैं और हम फिर सीन ऑफ क्राइम को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, जिनका सही जवाब है वेरी गुड एवरीवन, वेरी वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर टू पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर टू क्या बोल रहा है? इन जनरल एनी एविडेंस इज एडमिसिबल इन कोर्ट इफ इट इज, कोई भी एविडेंस एडमिसिबल होता है कोर्ट में अगर वो क्या है? रेलिवेंट बट नॉट कॉम्पिटेंट, नॉन रेलिवेंट बट कॉम्पिटेंट, फाउंड एट क्राइम सीन, या रेलिवेंट एंड कॉम्पिटेंट। बताइए क्या होगा इसका आंसर? ए बी सी या डी, यहाँ पे ए लिख दे रही हूं मैं, ए बी सी या डी, क्या होगा इसका आंसर? कोई भी एविडेंस कोर्ट में एडमिसिबल कब होता है? आंसर होगा इसका, हाँ दो कॉमेंट सेक्शन में आपको मैंने टाइम दिया है, फटाफट से आंसर दो। आगे आंसर, चलो आंसर इज ऑप्शन नंबर फोर्थ विच इज दी ऑप्शन, रेलिवेंट हो और कॉम्पिटेंट हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। देवी और सज्जनों, तीसरा क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आस्किंग नेबर्स इफ दे सॉ और हर्ड एनीथिंग इन द एरिया ऑफ द इंसिडेंट बाय गोइंग डोर टू डोर इज रिफर्ड एज घर घर जाकर पता करना, नेबर्स से कि क्या उन्होंने कुछ सुना, क्या उन्होंने कुछ देखा। अब ये ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि कोई वो जो है कोई इन्वेस्टिगेटर ऐसा नहीं करेगा घर घर जाके, सुनो दीदी कल आपने देखा रेखा के घर से जो है ऐसी आवाज आ रही थी, चोर तो नहीं घुसाए, क्या पता रेखा ने उसके पति का मर्डर कर दिया हो, ऐसी जो है खुसर पुसर करने को हम क्या बोलेंगे? इंटरोगेशन? नहीं, क्वेश्चनिंग, क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं है। Eavesdropping या canvassing for witness, ऑप्शन थ्री या फोर, यानी ए बी सी डी लिख दे रहे हैं हम, चलो ए बी सी डी, क्या होगा इनमें से आंसर? क्या होगा? और दो ऑप्शन मैंने डिलीट कर दिए हैं, बाकी के इनमें से आंसर देने, बताइए। ओके आंसर बता दूं मैं, इसका आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर फोर, वेरी गुड। समझ में आ गई बात? इंटरोगेशन डिफरेंट है, क्वेश्चनिंग इज डिफरेंट। अब ये जो है ये कैनवासिंग फॉर विटनेस, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है हमारा। द इन्वेस्टिगेटर्स पर्सनल रेफरेंस फॉर कीपिंग ट्रैक ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज, जब पर्सनल रेफरेंस के लिए इन्वेस्टिगेटर एक ट्रैक रखता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? नोटबुक, स्केच, फोटोग्राफी या इंटरोगेशन, पर्सनल उसके लिए तो हम उसको क्या बोलते हैं? देखो पर्सनल के लिए अगर रख रहा है कोई, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है ये, तो अब क्या होगा? वन टू ए बी, ए बी बोल रहा है यार, ए बी सी डी लिख दो क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा होगा आप सभी को। ए बी सी डी के फॉर्म में आपको आंसर देने हैं, वन टू थ्री फोर के फॉर्म में मत दो, ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी के ही फॉर्म में आपको आंसर्स देने हैं। तो बताइए नोटबुक, स्केच, फोटोग्राफी या इंटरोगेशन। तो देखो एक बात बताऊं, स्केचिंग, फोटोग्राफी, ये दोनों तो क्या है, ये दोनों पर्सनल रेफरेंस के लिए नहीं रखे जाते हैं, ये जो है ये एज अ एविडेंस ही है आपका, आप जो है इसको रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस में आता है, आपने रिकॉर्डिंग ऑफ क्राइम सीन, ये तो मेथड में ही आता है, रिकॉर्डिंग ऑफ क्राइम सीन में आता है। और इंटरोगेशन क्या होता है? इंटरोगेशन जो है वो सस्पेक्ट का किया जाता है, क्वेश्चन आंसर जो है बैठ के करते हैं। तो यानी कि क्या होगा ऑप्शन करेक्ट? नोटबुक, ठीक है, सिंपल सी बात है। क्वेश्चन नंबर फोर का होगा आंसर नंबर वन, नोटबुक। इज दैट क्लियर एवरीवन? चलो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पर आते हैं।
Which of the following is the least reliable resource of evidence? इनमें से कौन सा least reliable source है evidence का, मतलब सबसे कम काम का, least reliable, बहुत कम काम का है, DNA, fingerprint, eyewitness और blood. इनमें से सबसे कम least reliable, जिसका use बहुत ही कम है. A, B, C या D बच्चों, क्या होगा answer? Easy question है ना. मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि मैम क्वेश्चंस तो बहुत इजी हैं, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन दीजिए, मजा नहीं आ रहा है. तो लो देखो, ऐसा है कि मैं क्वेश्चंस जो है वो टॉपिक के हिसाब से बना रही हूँ. अभी जो थी इजी यूनिट चल रही थी, अभी आने तो दो, जरा इंस्ट्रूमेंटेशन आने दो, आईपीसी और आईए वाली यूनिट आने दो, इसी के बाद वाली जो यूनिट है वो आपकी इंडियन पिनल कोड पे है, तब समझ में आएगा, तब मुझे पता चलेगा. जो अभी कमेंट कर रहे थे ना कि मैम बड़े इजी क्वेश्चन से थोड़ा सा टफ क्वेश्चन दो, यूनिट भी तो इजी थी इसलिए क्वेश्चन भी इजी थे. चलो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का आंसर बताइए. क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का आंसर बिल्कुल सही दिया है आप सभी ने, विच इज ऑप्शन नंबर सी, आई विटनेस. लीस्ट रिलायबल है, क्यों? कभी भी पलट सकता है भाई, आई विटनेस कभी भी पलट सकता है, कभी भी बिक सकता है, समझ गए बात को. चलो क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ पर आते हैं. मार्केटिंग द बॉर्डर ऑफ द क्राइम सीन यूजिंग टेप इज रेफर टू एज. मार्केटिंग नहीं होगा वो, मार्किंग होगा, ठीक है, मार्केट तो नहीं कर देंगे हम इसको, मार्किंग. Just typing mistake, everyone. Marking the borders of the crime scene using tape is referred to as. क्या बोलेंगे टेप से जब हम क्राइम सीन को पैक कर देते हैं टेप से, तो उसको क्या बोलेंगे? क्राइम सीन मार्किंग, लॉकिंग क्राइम सीन, सेटिंग अ क्राइम सीन पैरामीटर या क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्शन. बोलिए क्या होगा इसका आंसर? अच्छा क्वेश्चन है. ए बी सी या डी, क्या होगा आंसर? सी. देखो क्राइम सीन मार्किंग तो है, लेकिन आंसर इसका बेटा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा. समझिए क्यों होगा, ये समझो. इसलिए होगा क्योंकि हमने क्या बोला, हमने बोला ये एक कमरा है, ठीक है, सिर्फ कमरा है, ये पूरा घर है, ये मेन डोर है, ठीक है, ये घर कम, ये मेन डोर है, यहाँ डोर के अंडर जो है यहाँ पे ये मान लो किचन है, ठीक है, ये किचन है. अब इसके चारों तरफ जो है यहाँ पे गार्डन एरिया है, ये क्या है? गार्डन एरिया है, यहाँ मेन गेट है, क्लियर है, समझ गए? तो अब भाई जरूरी नहीं है ना, और ये फिर यहां से रोड गई है, ठीक है, यहां से भी रोड गई है, इस वाले एरिया से रोड गई है, और यहां जो है वो एक और घर है. मर्डर कहाँ हुआ है? मर्डर जो है वो मात्र एक ही जगह हुआ है, वो हुआ है यहाँ इसके अंदर, इस किचन के अंदर. तो क्या करेंगे हम, पूरा का पूरा रोड से लेके पड़ोसी का तक घर सील कर देंगे? नहीं, हम सिर्फ और सिर्फ इतना एरिया जो है यहाँ पे हम लगा देंगे क्या, अपना क्राइम सीन. हमें इतना एरिया हमारा क्राइम सीन का है, तो हम इसको क्या कर रहे हैं, हमें पता है कि सिर्फ इतने ही एरिया से हमें हमें काम करना है, हमें एविडेंस मिलेंगे, तो हम इसको एज अ क्राइम सीन पैरीमीटर, इसके अंदर कोई नहीं आ सकता, इससे दूर रहो आप, ठीक है, ये क्राइम सीन पैरीमीटर हम सेट कर देते हैं. क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट आओ, क्वेश्चन नंबर सेवेंथ पर आते हैं. सेवेंथ क्वेश्चन इज, क्या है सेवेंथ क्वेश्चन? द आइडियल मेथड ऑफ कलेक्टिंग एंड पैकिंग फिजिकल एविडेंस फॉर इट्स ट्रांसपोर्टेशन अ फोरेंसिक लेबोरेटरी मेनली डिपेंड्स ऑन टू ऑफ. अरे यार ये ना बहुत ज्यादा टाइपिंग मिस्टेक हुई है, चलो कोई बात नहीं, हो जाता है कई बार. द आइडियल मेथड ऑफ कलेक्टिंग एंड पैकिंग फिजिकल एविडेंस फॉर इट्स ट्रांसपोर्टेशन टू अ फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी मेनली डिपेंड्स ऑन. आइडियल मेथड क्या है कलेक्ट करने का, पैक करने का फिजिकल एविडेंस को, और उसको फोरेंसिक लैब तक भेजने का, किस पर डिपेंड करता है? नेचर ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल, नेचर ऑफ एविडेंस, नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेटर या नेचर ऑफ सीन ऑफ क्राइम. सातवां क्वेश्चन देवियों और सज्जनों, आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, बताइए क्या होगा आंसर? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी, क्या होगा बताइए? नेचर ऑफ एविडेंस, सॉरी सॉरी सॉरी, ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर सेवन में, कि जो एविडेंस है या फिजिकल एविडेंसेस जितने भी मिलते हैं हमें, तो कलेक्शन, पैकेजिंग, फॉरवर्डिंग जो है वो किस पे डिपेंड करती है मेनली? तो नेचर ऑफ एविडेंस पे. वेरी गुड, नेचर ऑफ एविडेंस पे डिपेंड करती है. ब्लड है, सीमेन है, क्लोथ है, हेयर है, फाइबर है, फुटप्रिंट है, फिंगरप्रिंट है, तो हम नेचर ऑफ एविडेंस के हिसाब से उसको कलेक्ट करेंगे, पैक करेंगे, पैक और फॉरवर्ड करेंगे, समझ गए?
तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 8. The two greatest challenges to the physical evidence at any crime scene are, सबसे बड़े दो challenges क्या है एक किसी crime scene पर, बताइए क्या होगा answer? Losing and overlooking, contamination and loss of continuity, touch evidences with your hand and pack them without taking a photograph, and none of the above. क्या होगा सबसे बड़ी दो difficulties? देखो, touch evidence with your hand, और answer बताओ पहले, फिर मैं बताऊंगी. चलो A B C D, क्या होगा आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का? सबसे बड़ी दो डिफिकल्टी क्या होती है फिजिकल एविडेंसेस को लेकर किसी भी क्राइम सीन पर, दो डिफिकल्टी, ए बी सी या फिर डी. दे दिया आंसर सभी ने, फटाफट से आंसर दो. ओके एवरीवन, अब सुनो आंसर क्या होगा. आंसर इज ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यहाँ पे कंटेमिनेशन और लॉस ऑफ कंटिन्यूटी बहुत ज्यादा चैलेंज होता है. क्यों? क्योंकि हमारे इंडिया में तो क्या होता है, कोई क्राइम सीन हुआ तो वहां पे मोबाइल लेके वीडियो रिकॉर्डिंग करने पहले पहुंच जाएंगे, या फिर फैमिली मेंबर्स पहुंच जाएंगे कंटेमिनेट करने, या कई बार तो पुलिस वाले खुद ही सीन ऑफ क्राइम को कंटेमिनेट कर देते हैं. तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जो ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम फिजिकल एविडेंस को कलेक्ट करने में फेस करनी पड़ती है. तो ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर. Next question, question number 9th. If the evidence at the crime scene is contaminated, the investigator must do which of the following? Agar evidence contaminated hai crime scene par, to investigator kya karega? Decontaminate the evidence. Must record this fact. Destroy the evidence. Bring the fact to the notice of the supervisor. Kya karna chahiye? Decontaminate kar do. Evidence ko decontaminate kar do. Kaise karoge mujhe nahi pata. रिकॉर्ड कर लो ये चीज कि भैया जो है ये एविडेंस पहले से हमें कंटेमिनेटेड फॉर्म में मिला है, या फिर एविडेंस इसको खराब ही कर दो, उठाओ एविडेंस तोड़ दो, ठीक है. या डी, ब्रिंग द फैक्ट टू द नोटिस ऑफ द सुपरवाइजर, जो आपके सुपीरियर हैं, जो मान लो आप एज अ इन्वेस्टिगेटर आप गए हो लेकिन आपके ऊपर भी कोई इन्वेस्टिगेटर है, तो आप उनको बता दो कि सर हेलो, हमारे यहाँ पे जो है ये हमको ब्लड सैंपल मिला था लेकिन ये ब्लड सैंपल में जो है ऑलरेडी कंटेमिनेशन कर दिया गया है और भी चीजें मिक्स हैं, तो ऐसा ऐसा सीन है. तो क्या हो सकता है आंसर, ए बी सी या फिर डी? क्वेश्चन नंबर 9th है, क्या होगा? देखो भाई, ऐसा है, हम डीकंटेमिनेट नहीं कर सकते हैं, है ना, हमारे पास टाइम मशीन नहीं है डोरेमोन की कि हमने पीछे जाके डीकंटेमिनेट कर दिया, ठीक है, ना ही हम उसको डिस्ट्रॉय करेंगे. ये क्या बात होती है कि एविडेंस को डिस्ट्रॉय कर दो, ये कोई बात होती है नहीं, ठीक है. और हम अपने सुपीरियर को बता के भी क्या करेंगे, क्या क्या उखाड़ लेंगे वो, कुछ नहीं. इसीलिए बस बात इतनी सी कि उसको, इस बात को ध्यान में रखो, ये बात जो है आपको फैक्ट में लानी है कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है कि एविडेंस टेम्पर किया गया है. ना एविडेंस टेम्परिंग जो है वो बहुत खतरनाक चीज है, पूरे क्राइम सीन को ना एकदम स्मूथली जो है सॉल्व चल रहा होगा इन्वेस्टिगेशन, और वो घुमा के ले आएगा, एविडेंस टेम्पर हो गया अगर, तो समझ गए. यानी कि हम सोच रहे थे कि ये आदमी जो है इसने मर्डर किया है लेकिन पलट गया, पता चला नहीं इसने किया है, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इस बात को रिकॉर्ड करो कि भाई एविडेंस जो है वो वहां पे कंटेमिनेट फॉर्म में मिला है. क्वेश्चन नंबर 10th क्वेश्चन इज, ऑल ऑफ द फॉलोइंग वुड बी कंसीडर्ड फिक्स्ड पॉइंट एक्सेप्ट. जब हम स्केचिंग करते हैं तो हम एक फिक्स पॉइंट लेते हैं, मैंने आपको बढ़ाई ये बात, स्केचिंग करते टाइम पे हम फिक्स पॉइंट लेते हैं, तो इनमें से हम सबको फिक्स पॉइंट ले सकते हैं एक्सेप्ट. देखो क्वेश्चन अभी तो मैं आपको समझा रही हूं, लेकिन जब आप एग्जाम दे रहे होगे, जब आप एग्जाम दे रहे होगे उस टाइम पे कोई भी आपको समझाने के लिए नहीं बैठेगा क्वेश्चन, इसीलिए अभी से समझ लो क्या लिखा है. ऑल ऑफ द फॉलोइंग वुड बी कंसीडर्ड फिक्स्ड पॉइंट, इन सबको हम फिक्स्ड पॉइंट मानेंगे एक्सेप्ट. एक्सेप्ट बताना है कौन सा फिक्स्ड पॉइंट नहीं होगा. टेबल, वॉल, डोर, विंडो, क्या होगा? टेबल, वॉल, डोर, विंडो, इनमें से कौन सा फिक्स पॉइंट नहीं होगा. एक चीज ध्यान रखना कि हम जो फिक्स पॉइंट लेते हैं, आप लोग आंसर दो, मैं यहाँ पे समझा भी रही हूँ. फिक्स पॉइंट जो होता है वो हम हमेशा वो पॉइंट लेते हैं जो फिक्स रहने वाला हो, समझ गए बात को. यानी कि ऐसे ना हो कि यहाँ पे जो है ये पानी की बॉटल रखी हुई थी, मैंने इस पानी की बॉटल को फिक्स पॉइंट ले लिया, अब ना थोड़ी देर बाद ये बॉटल किसी ने उठा के अलग रख दी, या बॉटल पैक हो गया, एविडेंस चली गई, लो भाई प्रॉब्लम हो गई, फिक्स पॉइंट ही नहीं है, पता ही नहीं कहाँ रही थी, कैसे रखी थी, हम कैसे पूरा का पूरा क्राइम सीन बनाए,
गड़बड़ हो गई ना, इसलिए फिक्स पॉइंट ऐसा हो जो सच में फिक्स हो। तो इनमें से वॉल भी बदल नहीं सकती ना, वॉल तो वॉल ही रहेगी। डोर भी, अब डोर कोई कैसे बदल देगा, डोर का वो जो ढांचा रहेगा वो नहीं बदला जा सकता, विंडो भी नहीं बदली जा सकती। यानी सभी को हम एज अ फिक्स पॉइंट ले सकते हैं, लेकिन हम टेबल को फिक्स पॉइंट नहीं लेंगे। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। क्लियर हो गया, समझ में आ गया? चलो मैं अगला क्वेश्चन दिखाती हूँ, तुम लोग पढ़ो इसको, तब तक मैं पानी पी लेती हूँ। क्वेश्चन नंबर 11, पढ़ो इसको जरा। इलेवेंथ क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों? द विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी टू कलेक्ट टाइम सेंसिटिव इंफॉर्मेशन और एविडेंस इज नोन एज, बताओ। ऐसा मतलब एक हमें एकदम ये बोलो कि चमत्कारी पल मिला है कि हमको एक बहुत सेंसिटिव इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने को मिल रही है एज एविडेंस, तो हम उसको क्या बोलेंगे? द गोल्डन आवर, इमीडिएट रेस्पॉन्स, लोकार्ड एक्सचेंज आवर, या चेन ऑफ कस्टडी। ओके, नाइस क्वेश्चन, बड़ा इंटरेस्टिंग था क्वेश्चन, है बहुत ही कंफ्यूजिंग आंसर निकलने वाले हैं इसके। बताइए भाई, क्वेश्चन नंबर 11, ऐसा बोलते चमत्कारी पल, एकदम एकदम किस्मत चमक गई हमारी। कुछ नहीं यार, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें होगा गोल्डन आवर, क्योंकि ये ऐसा बोलते हैं कि एकदम हमें गोल्डन आवर मिला, आपके पास में एक घंटे का समय, फटाफट से सारे सबूत निकलवा लो, सारी जो गवाही है वो इस घंटे में आप निकलवा सकते हो, आपको जो है एकदम गोल्डन आवर मिला है। समझ गए? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, अरे बड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन है। द टास्क ऑफ द फर्स्ट रिस्पॉन्डिंग ऑफिसर, फर्स्ट रिस्पॉन्डिंग ऑफिसर कौन होता है? तो सबसे पहले क्राइम सीन पर जाता है, तो उसके कौन कौन से टास्क होते हैं? मेडिकल असिस्टेंस विक्टिम को देना, एप्रीहेंशन ऑफ सस्पेक्ट फ्रॉम द सीन और द विसिनिटी, प्रोटेक्शन ऑफ द क्राइम सीन, कलेक्शन ऑफ द एविडेंस फ्रॉम क्राइम सीन। क्या क्या काम होते हैं फर्स्ट रिस्पॉन्डर के, बताइए। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अबव चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन, ओनली ए एंड बी, यानी ए एंड बी आर करेक्ट, ओनली बी एंड डी आर करेक्ट, ओनली ए बी एंड सी आर करेक्ट, ए बी एंड सी आर करेक्ट, ओनली ए सी एंड डी आर करेक्ट, ए सी और डी करेक्ट है। बताइए, फर्स्ट रिस्पॉन्डर का बस काम पूछा है, बताओ क्या होगा करेक्ट आंसर? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर देना है। चलो वेरी गुड, दे दिए सभी ने आंसर, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा आंसर? 1, 2, 3, 4 के भी फॉर्म में अगर आंसर दे रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दे दो, मुझे समझ आ रहा है कौन कैसे आंसर दे रहा है। 1, 2, 3, 4 ए बी सी डी जैसे भी देना हो दे दो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। समझ गए? बताइए आंसर होगा, वेरी गुड, जिन्होंने भी ए बी और सी ऑप्शन नंबर 3 चुना है, एकदम करेक्ट आंसर है। यानी कि मेडिकल असिस्टेंस देने का काम भी करते हैं, हमें जो है अगर हमें लग रहा है कि यहाँ पे सस्पेक्ट प्रेजेंट है तो उसको जो है हम वहां से निकालते हैं, ठीक है, और हम क्राइम सीन को प्रोटेक्ट करते हैं जिससे कि कोई और एंटर ना हो पाए। ये 3 इंपॉर्टेंट काम होते हैं फर्स्ट रेस्पॉन्डर के। क्लियर है? आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम शुड बी अवेलेबल फॉर द क्राइम सीन सिक्योरिटी, क्राइम सीन सिक्योरिटी के लिए क्या होना चाहिए? स्केल, कैमरा, ट्वीजर्स और फोर्सेप्स, या फिर क्राइम सीन बैरियर टेप। अरे तो लप्पू सा क्वेश्चन हो गया, एकदम लप्पू सा क्वेश्चन है, आंसर दीजिए इसका फटाफट स्पीड में, इतना इजी क्वेश्चन है यार, इसमें तो कुछ है ही नहीं सोचने जैसा। स्केल के थ्रू करोगे क्या तुम लोग क्राइम सीन की पैकेजिंग? स्केल से कर लेना, ठीक है, तुम कैमरे से कर लेना, ट्वीजर और फोर्सेप्स लगा के प्रोटेक्ट कर लेना, कितना कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। डी होगा आंसर करेक्ट, सबका सही आंसर ही आएगा इसमें, मुझे नहीं लगता है कोई गड़बड़ करेगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम, 14 क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है, इन कनेक्शन विद अ क्राइम सीन स्केच विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, क्राइम सीन स्केच के कनेक्शन में इनमें से कौन सा करेक्ट होगा? करेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट नहीं। डिस्टेंस कैन बी मेजर्ड बाय स्टेप्स, पैदल चल के स्टेप्स मेजर कर सकते हैं क्या स्टेप्स से? स्मॉल डिस्टेंस, फॉर एग्जाम्पल डिस्टेंस बिटवीन अ फायर आर्म एंड अ विक्टिम कैन बी गेस्ड, वेयर एज अदर्स कैन बी मेजर्ड बाय मेजरिंग टेप। क्या हम फायर आर्म, मान लो यहाँ पे गोली पड़ी हुई है और यहाँ पे विक्टिम पड़ा हुआ है, तो हम तुक्का लगा सकते हैं, गेस्ड, गेस्ड का मतलब तो तुक्का ही होता ना। नेक्स्ट, ईच डिस्टेंस शुड बी एक्यूरेटली मेजर्ड, हर डिस्टेंस को
एक्यूरेटली मेजर करो, एक्यूरेटली कन्वर्टेड अकॉर्डिंग टू द स्केल चूजन एंड देन मार्क्ड ऑन द स्केच. बताओ क्या ऐसा करते हैं कि हम स्केच में हर एक चीज को प्रॉपर मेजरमेंट करते हैं, मेजरमेंट लेने के बाद में प्रॉपर मार्किंग करते हैं. लास्ट डी ऑप्शन है, ईच डिस्टेंस शुड बी एक्यूरेटली मेजर्ड, मे बी अप्रोक्सीमेटली कन्वर्टेड टू स्केल. क्या अप्रोक्सीमेटली मतलब आसपास करके आप उसको कन्वर्ट कर लो और फिर स्केच में मार्क कर लो. बताओ ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में से कौन सा करेक्ट है, यानी कि तीन इनकरेक्ट है, सिर्फ एक करेक्ट है जो हमें चूज करना होगा. क्या होगा राइट आंसर जल्दी दे दिए आंसर. वेरी गुड. चलो अब देखो यहां पर आंसर नंबर ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा. ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा. हमें हर चीज एक्यूरेटली मेजर करनी है, एक्यूरेटली मार्क करनी, कोई भी तुक्केबाजी हमें नहीं करनी है. क्लियर. 15th क्वेश्चन पर आते हैं. 15th क्वेश्चन, अरे वाह, असर्शन रीजन. असर्शन रीजन दिया हुआ है. असर्शन इज द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कलेक्ट फिजिकल एविडेंस एट द सीन ऑफ क्राइम. इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो है वो फिजिकल एविडेंस को सीन ऑफ क्राइम से कलेक्ट करता है. बिकॉज ही इज फुली अवेयर ऑफ हाउ टू सेव द एविडेंस फ्रॉम गेटिंग कंटेमिनेटेड, लॉस्ट और स्क्रैच्ड. इसको क्योंकि कंप्लीट आइडिया है कि एक एविडेंस को कंटेमिनेट होने से कैसे बचाना है और स्क्रैच करना है. ओके, आई थिंक ये क्वेश्चन मुझे रिपीटेड लग रहा है. देखो भाई, ये आई थिंक मैंने पहले भी कराया है आप सभी को. इसका जो है ऑप्शन नंबर ए बी सी या डी क्या करेक्ट होगा जल्दी बताओ. ये मैंने कराया है ऑप्शन, ये रिपीटेड है. आंसर है बिल्कुल सही, ऑप्शन वन इज करेक्ट, ए इज करेक्ट, आर इज नॉट करेक्ट. एक्चुअली जो रीजन दिया है ना इसका, ये गलत नहीं है, ये गलत नहीं है, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. समझ गए बात को. रीजन जो है वो बिल्कुल भी फर्स्ट वाले की करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसीलिए आर को यहाँ पर रॉन्ग बोला गया है. ये बात समझ में आ गई. चलो नेक्स्ट, 15 के आगे बढ़ते 16 पर आते हैं. प्रोफेसर साइमन न्यूकॉम्ब हैज गिवन दी लॉ ऑफ म्यूचुअल एक्सचेंज, लॉ ऑफ इंडिविजुअलिटी, लॉ ऑफ कंपैरिजन, लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी. अब कितने लोगों को लग रहा है कि ये तो नाम ही पहली बार सुना है मैम, ये क्या बता दिया ना. तो हमने हमने लोकार्ड का नाम सुना है, हमने जो है बहुत सारे नाम सुने, पर हमने इनका तो पहली बार नाम सुना है. तो जान लो प्रोफेसर साइमन न्यूकॉम्ब ने क्या दिया था, इनके बारे में जान लो. आंसर तो जल्दी जल्दी क्या होगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी, बोलिए. क्वेश्चन नंबर 16 चल रहा है. टॉप 25 क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं. हर यूनिट के यहाँ पे क्वेश्चन हैं, तो आपको जो है यहाँ पे आंसर देना है. आगे आंसर क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी दिया था इन्होंने. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं हम. बाइट मार्क्स हेल्प इन पर्सनल आइडेंटिफिकेशन यूजिंग विच ऑफ दीज टाइप्स ऑफ एविडेंस. इनमें से किस एविडेंस का यूज करके हम बाइट मार्क्स जो है, बेसिकली बाइट मार्क्स किस चीज के लिए, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन के लिए बाइट मार्क्स किस टाइप के एविडेंस में आएंगे. मतलब बाइट मार्क्स में क्या मिलेगा यार, सीधी बात ये है, बाइट मार्क है. अब बाइट मार्क्स से आपको क्या मिलेगा, सलाइवा, लिप प्रिंट, टीथ मार्क्स या डीएनए, क्या मिल सकता है इनमें से, ये पूछा है. समझ गए क्वेश्चन को. चूज द करेक्ट आंसर. ए बी सी ओनली, ए बी सी ओनली, बी सी डी, बी सी डी ओनली, ए बी डी, ए बी डी ओनली या ए सी डी ओनली, क्या होगा. देखो भाई, बाइट मार्क्स हैं तो आपको सलाइवा मिलेगा, इतना समझ में आ गया. यानी ए ए ए ये वाला तो काट दो, सलाइवा मिलेगा हमें बाइट मार्क्स से. ठीक है, लिप प्रिंट मिल सकते हैं क्या, टीथ मार्क्स, ऑब्वियसली बाइट मार्क है तो टीथ मार्क भी होगा, तो ए और सी तो होगा, यानी सी इसमें है, सी इसमें है. चलो इसको भी कट कर दो, यानी कि ऑप्शन नंबर ए और डी में से एक आंसर करेक्ट है. बोलो बच्चे, बोलो क्या होगा आंसर, ए या डी. 17th का आंसर है. तो भाई जो है, मैंने इसका आंसर आपको बोला था कि ए या डी में से एक होना चाहिए, तो जो डी है वो ही इसका करेक्ट आंसर होगा. क्यों होगा, क्योंकि जनरली लिप प्रिंट जो है वो मिलना आसान नहीं होता, लेकिन हमें सलाइवा मिलता है, टीथ मार्क्स मिलते हैं और हम उससे डीएनए प्रोफाइलिंग भी कर सकते हैं. तो ऑप्शन नंबर 4th यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर. क्लियर हो गया. आगे बढ़ते हैं हम. चूज द करेक्ट आंसर फॉर द स्टेप्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन इन प्रॉपर सीक्वेंस. प्रॉपर सीक्वेंस में आप जो इन्वेस्टिगेशन करते हो उसका एक करेक्ट सीक्वेंस पे आंसर होगा इसमें से. प्रोटेक्शन ऑफ क्राइम सीन, इंटरव्यू ऑफ विटनेस, फोटोग्राफी ऑफ क्राइम सीन, कलेक्शन एंड डिस्पैच ऑफ फिजिकल एविडेंस, ये ऑप्शन ए है.
ऑप्शन बी फोटोग्राफी ऑफ क्राइम सीन, प्रोटेक्शन ऑफ क्राइम सीन, इंटरव्यू ऑफ विटनेस, कलेक्शन एंड डिस्पैच ऑफ फिजिकल एविडेंस. ऑप्शन सी प्रोटेक्शन ऑफ क्राइम सीन, फोटोग्राफी ऑफ क्राइम सीन, कलेक्शन एंड डिस्पैच ऑफ फिजिकल एविडेंस एंड इंटरव्यू ऑफ विटनेस. ऑप्शन डी इंटरव्यू ऑफ विटनेस, फोटोग्राफी ऑफ क्राइम सीन, कलेक्शन एंड डिस्पैच ऑफ फिजिकल एविडेंस, फिर आखिरी में प्रोटेक्शन. तो भाई डी नहीं होगा, आखिरी में प्रोटेक्शन नहीं करते हैं हम किसी भी क्राइम सीन का, हम सबसे पहले प्रोटेक्ट करते हैं. तो यहाँ पे ये जो है फर्स्ट या थर्ड ऑप्शन ए या फिर सी में से एक आंसर आपका यहाँ पे करेक्ट होगा. दो आंसर क्या होगा पढ़ लो एक बार, टाइम दे रही हूं मैं. राइट आंसर क्या होगा फटाफट से दो. ओके वेरी गुड, जल्दी जल्दी आंसर देना है. 18th क्वेश्चन है, थोड़े से क्वेश्चन और बचे हैं, 4-5 क्वेश्चन और बचे हैं. ओके आ गया आंसर, चलो वेरी गुड एवरीवन. आंसर जो है वो है आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 विच इज द राइट आंसर. प्रोटेक्शन करेंगे, फोटोग्राफी करेंगे, कलेक्शन और डिस्पैच करेंगे, आखिर में विटनेस का इंटरव्यू लेंगे. क्लियर है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, द करेक्ट सीक्वेंस टू बी फॉलोड एट अ क्राइम सीन इज डॉक्यूमेंटेशन, प्रिजर्वेशन, सिस्टमैटिक सर्च, प्रिलिमिनरी सीन एग्जामिनेशन, एविडेंस कलेक्शन. क्या होगा इसका आंसर, डॉक्यूमेंटेशन, प्रिजर्वेशन, सिस्टमैटिक सर्च, प्रिलिमिनरी सीन एग्जामिनेशन या एविडेंस कलेक्शन. सीक्वेंस बताना है बेसिकली इसका, बताओ. सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो भाई सबसे पहले आप यहाँ पे जब भी किसी एग्जामिनेशन में करने जाओगे तो सबसे पहले आप प्रिलिमिनरी सीन एग्जामिनेशन, भाई मतलब सी द क्राइम सीन, 7S का रूल पता है, सी द क्राइम सीन, हम जाके सी करना मतलब प्रिलिमिनरी आपने ऐसे जो है नजरें घुमा ली. इसके बाद में आप क्या करोगे, आप यहाँ पे सिस्टमिक सर्च करोगे, आप धुरा ही चालू करोगे. ठीक है, प्रोटेक्शन वगैरह जो है वो इसमें है ही नहीं, प्रोटेक्शन फोटोग्राफी वो सब है नहीं, तो वो अभी अब इसमें नहीं आ रहे. आपने धुरा, अब आपको जो है कोई एविडेंस मिल गया. ठीक है, एविडेंस मिला तो उठाने के पहले उसकी फोटो खींच लो, यानी डॉक्यूमेंटेशन कर लो कि हमको यहाँ एविडेंस मिला. इसके बाद में आप कलेक्शन करो, कलेक्शन यानी ऑप्शन नंबर ई. ठीक है, कलेक्शन करो, कलेक्शन करने के बाद में आप प्रिजर्वेशन करो, प्रिजर्व करने के बाद में जो है आप उसको पैक करो और लेबोरेटरी में भेज दो. तो ऑप्शन कौन सा होगा, डी सी ए, डी सी ए, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. आगे समझ में, आगे बढ़ते हैं हम. क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन इज करेक्ट सीक्वेंस रिगार्डिंग द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ क्राइम इन्वेस्टिगेशन. इज करेक्ट सीक्वेंस क्या है क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन को लेकर, अगेन फिर वही चीज पूछी है, क्राइम सीन मैनेजमेंट, डिस्कवरी ऑफ क्राइम, फर्स्ट ऑफिसर रिस्पॉन्स या रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द क्राइम. तो यार ये तो मैंने पहले ही बताया है आपको कि आपको जो सीक्वेंस फॉलो करना है वो क्या फॉलो करना है वो आप सबको पता ही, बहुत इजी है. ए बी सी या डी आंसर में क्या होगा जल्दी बताओ इसका आंसर, गलत नहीं करना. और ठीक है, गलत नहीं करने हैं हमको स्टेप्स, 7S याद रखना है. 20 क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या होगा, सबसे पहले हम क्राइम को डिस्कवर करें, हुआ कहाँ है क्राइम और कैसा क्राइम है बी. ठीक है, क्राइम को डिस्कवर करा, उसके बाद में हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफिसर का क्या रिस्पॉन्ड होता है, भाई विक्टिम वगैरह वहां प्रेजेंट तो उसको हॉस्पिटल पहुंचाओ, प्रोटेक्ट करो क्राइम सीन को. ठीक है, इसके बाद में हम क्या करेंगे, ए क्राइम सीन मैनेजमेंट. अब क्राइम सीन मैनेजमेंट में कलेक्शन, प्रिजर्वेशन, फॉरवर्डिंग ये सब आ जाता है, और लास्ट में हम करते हैं रिकंस्ट्रक्शन. रिकंस्ट्रक्शन लास्ट स्टेप है, तो ये तो हो ही नहीं सकता था, इन्हीं में से कोई हो सकता था क्योंकि हमने जो है रिकंस्ट्रक्शन लास्ट स्टेप रखा. तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर एवरीवन. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 21 क्वेश्चन इज विच, फिर से ऑर्डर पूछ लिया यार. अब यहाँ बोल रहे हैं कि कलेक्टिंग फिजिकल एविडेंस, फिजिकल एविडेंस को कलेक्ट करने का ऑर्डर पूछा है. स्वैबिंग, स्वैपिंग, टेप लिफ्टिंग, वैक्यूमिंग, हैंड पिकिंग. अब बताना है इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा, ए बी सी या डी, कौन सा करेक्ट होगा. सबसे पहले आप क्या करोगे, ए बी सी या डी, क्वेश्चन नंबर 21. सबसे पहले तो हैंड पिकिंग करेंगे हम, इतना ध्यान रख लो. ठीक है, ई यानी मैंने ये और ये तुम्हारे लिए ऑप्शन कट कर दिया. ए या सी में से बताना अब तुमको आंसर. सबसे पहले हाथ से उठाएंगे, जो हाथ से उठने वाली चीजें हैं वो हमने हाथ से उठा ली. ठीक है, उसके बाद में अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, उसके बाद में हम टेप लिफ्टिंग, फिंगरप्रिंट वगैरह जो है उससे हम टेप लिफ्टिंग करके ये उठा लेंगे. यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर. ठीक है, टेप लिफ्टिंग करेंगे, ए जो है हमारा स्वैबिंग, फिर हम स्वैबिंग करेंगे ए, इसके बाद में हम जो है स्वैपिंग करेंगे, पोछा मार दो पूरा मतलब ऐसे उठाएंगे, और फिर उसके बाद में आखिरी वैक्यूमिंग करते हैं एकदम जो ट्रेस एविडेंसेस है उनके लिए. क्लियर हो गया.
चलो क्वेश्चन नंबर 22. 22 इज डेट एंड लोकेशन ऑफ द क्राइम सीन एंड द नॉर्थ हेडिंग ऑन द डायग्राम आर इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया ऑफ. किसके इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है? डेट एंड लोकेशन और नॉर्थ, नॉर्थ डायरेक्शन किसका है? माइक्रोस्कोप एग्जामिनेशन ऑफ फाइबर, क्राइम सीन स्केच, फायरआर्म एग्जामिनेशन या फिर प्रिजर्वेशन ऑफ फॉरेंसिक एविडेंस. बोलो भाई किसके क्राइटेरिया है इंपॉर्टेंट? ऑब्वियसली ए, बी, सी या डी. एक आंसर होगा इनमें से, दो जल्दी से आंसर. आगे आंसर बहुत इजी क्वेश्चन है, ये तो बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है. ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. गुड, चलो आगे बढ़े. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वीडियो रिकॉर्डिंग. वीडियो रिकॉर्डिंग का प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक कौन सा है क्राइम सीन की? हाँ, डायरेक्शन कैन बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ रिकॉर्डिंग. डायरेक्शन आप रिकॉर्डिंग के बेसिस पे निकाल सकते हो. अ डिटेल्ड व्यू ऑफ क्राइम सीन कैन बी ऑब्टेन्ड. पूरा डिटेल्ड व्यू मिल जाएगा. वॉइस मस्ट ऑल्सो बी रिकॉर्डेड. वॉइस भी रिकॉर्ड करो वीडियो में. इसके बाद में डी, ट्रू डायमेंशन ऑफ एविडेंस. पूरा का पूरा एकदम एक्यूरेट डायमेंशन मिल जाएगा. ये बताओ क्या होगा. ये भी बहुत ईजी है एक्चुअली में. क्वेश्चन नंबर 23 काफी ईजी है. आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, डिटेल्ड व्यू मिलेगा. डायरेक्शन भी नहीं मिलेगी, वॉइस का भी कोई काम नहीं है, ट्रू डायमेंशन भी नहीं मिलेंगे. तो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है भाई. ध्यान से सुनना, ध्यान से आंसर देना. कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे कमेंट में पूछ लेना. साथ ही में जो है आपको क्या करना है, अब हम बिल्कुल एंड पर आ गए. एक क्वेश्चन बस बचा है खत्म होने से पहले. मैं आपको बता दूं, आपको इस वीडियो के एंड में पिंक हार्ट्स जो है कमेंट करने हैं, ठीक है? अब देखो दूसरी इंपॉर्टेंट बात, दिल विल की तो बात हो गई. सिर्फ मुझे कॉमेंट करना है ना, किसी और को मत भेज देना अपना दिल, स्पेशली लड़के, ठीक है? किसी और के दिल के कॉमेंट पे कॉमेंट नहीं करेगा कोई. समझ गए बात को? अब देखो यहाँ है क्वेश्चन नंबर 24 के पहले मैं एक बात बोल दूँ. मैं पर्सनल गाइडेंस के बारे में आपको बता रही थी कि आप पर्सनल गाइडेंस के लिए रजिस्टर कर सकते हो. काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी बेनिफिट ले रहे हैं और इसका बहुत बेनिफिट है. सो इफ यू वॉन्ट टू टॉक टू मी पर्सनली, एक बार आपको इस फील्ड के बारे में प्रॉपर समझ में आ जाएगा तो आपको आसानी हो जाएगी ये चूज करने में कि हमें इस फील्ड में आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है, ठीक है? चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 24 इज टिपिकली रफ स्केच आर नॉट विच आर रफ स्केचेस आर नॉट विच ऑफ द फॉलोइंग. ड्रॉ, अच्छा कौन सा इनमें से रफ स्केच नहीं हो सकता? अगर ड्रॉन विद पेंसिल, ड्रॉन टू स्केल, ड्रॉन टू क्राइम सील, ड्रॉन आफ्टर फोटोज आर टेकन. देखो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर ए ही होना चाहिए क्योंकि पेंसिल से नहीं बनाया जाता. मिटा देगा कोई इरेजर से, फिर क्या कर लोगे, बैठे रह जाओगे. तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है और लास्ट क्वेश्चन है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्केच. इनमें से सबसे कॉमन टाइप ऑफ स्केच कौन सा है? ओवरहेड स्केच, एलिवेशन स्केच, थ्री डायमेंशन स्केच या फिर एक्सप्लोडेड स्केच. कौन सा सबसे ज्यादा कॉमनली पाया जाने वाला स्केच होता है? दीजिए आंसर. क्या होगा इसका राइट आंसर? ए, बी, सी या डी. ऑप्शन में यहां पर रख दे रही हूं. ए, बी, सी. ए, बी, सी, डी. क्या होगा आंसर इसका? ओवरहेड, यानी कि वही ओवर आई स्केच होता है ये, ओवर आई स्केच. एलिवेशन स्केच, 3D स्केच या एक्सप्लोडेड स्केच. कौन सा सबसे ज्यादा पाया जाने वाला होता है स्केच? तो मैं बताऊं, इसको हम बोलते हैं बर्ड आई और ये ही सबसे कॉमन होता है. ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर एवरीवन. वेरी गुड. तो हमने पूरे के पूरे 25 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर लिए हैं. आई होप कि आपको मजा आ रहा होगा क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने में और आपको जो है काफी सारी चीजें क्लियर हो रही होगी. डेली के ऐसे ही वीडियोज आएंगे, डेली आपको क्वेश्चंस मिलने वाले हैं. तो शाम को 6 बजे एवरी डे ऑन सेम चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलेगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एवरीवन. आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो. टेक केयर. बाय बाय.